हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर रजनी गुप्ता फ्रॉम संध्या रमन आधार फाउंडेशन। योगा की क्लासेस में आज हम डिस्कस करेंगे षटक्रिया। षटक्रिया कैसे करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। हमारी बॉडी की क्लींजिंग के लिए हम दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जो एक्सटर्नल क्लींजिंग रहती है। हम जो भी खाना खाते हैं उन सब में टॉक्सिन्स रहते हैं। ये टॉक्सिन्स हमारे शरीर में एकोमुलेटेड होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें कई तरह की बीमारियों से सफ़र करना पड़ता है। अगर हम योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर हम आसनास भी कर रहे हैं, प्राणायामास भी कर रहे हैं, उससे पहले हमें अपनी बॉडी को क्लिंजिंग करना बहुत आवश्यक है। हमारी नेवल प्रॉपर सेट होनी चाहिए, उसके साथ साथ हमारा एब्डोमन क्लीन होना चाहिए, तभी हमें प्राणायाम और योगा का इफ़ेक्ट हमारी बॉडी में दिखता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या षटक्रिया ऐसी क्या हैं जिससे हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सके और क्लीन कर सके। जैसे आयुर्वेद में वमन विरेचन बस्ती से बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जाता है, इसी तरह योगा थेरेपीज़ में हम शंख प्रक्षालन कुंजन क्रिया से अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। हमारी डेली क्रियाज में जो आती हैं, दैट इज़ ब्रशिंग एंड सेकेंड इज़ बाथिंग। बाथिंग करने से जितने भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट पे होते हैं वो एक्सपेल हो जाते हैं। योगा क्रियाज में हम देखेंगे षटकर्मास रहते हैं। हमारी बॉडी जो है तीन दोषा से बनी है और पंच महाभूत इसमें बना है। वात पित्त कफ जो तीन दोषा और पंच महाभूत के मिश्रण से ह्यूमन बॉडी बनती है, जिसमें हम सिक्स क्लिंजिंग टेक्निक का प्रोसीजर करके अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई कर सकते हैं। इनसे क्या होगा, हमारे तीनों ही दोषा जो है वह बैलेंसिंग अवस्था में आ जाएंगे। वात पित्त कफ में जो एग्रीवेट हो रहा है दोष, या जो दोष कम हो रहा है, उसको जब हम स्टेबिलिटी में लेके आएंगे तो हमारी बॉडी में होने वाली बीमारियां जो हैं वो कम हो जाएंगी। अब हमें जब भी प्राणायाम करना है, उससे पहले अपनी बॉडी को बैलेंस करना जो है बहुत ही आवश्यक रहता है। अगर हम किसी भी तरह का, हमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, गैस की प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में आ रही हैं, उसके लिए हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई और क्लिंजिंग करना ज़रूरी होता है। अब षटकर्मा क्या है? षटकर्मा इज़ द सिक्स प्रोसीजर्स जो हम योगा में प्रैक्टिस करते हैं, जिससे हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। फर्स्ट प्रोसीजर इज़ द धोती। धोती इज़ अपर जीआईटी ट्रैक, जिसमें हम वमन से, दंड से और वस्त्र धोती, तीन तरह से इसको किया जा सकता है। सेकंड आता है बस्ती। बस्ती किसके लिए करेंगे हम? लोअर जीआईटी ट्रैक के लिए। देखो, जो हमारी बॉडी में डिजीजेज आती हैं, या तो ऊर्ध्व चतुर्गत अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में आएंगी। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में जैसे हमें हेडेक हो रहा है, रेस्पिरेशन कोई प्रॉब्लम हो रही है, ईएनटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, या आपको लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो अपर ट्रैक में आ जाएगा, जिसके लिए या तो हम वमन करवाएंगे, या जो भी हमारी बीमारी, जो भी दोषस हमारे एग्रीवेटेड अपर पार्ट पे है, उसको अपर से ही बाहर निकाल दिया जाता है। अगर कुछ दोषस हमारे लोअर पार्ट पे एग्रीवेटेड हो रहे हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, पेट खाना खाने के बाद एकदम फूल जाता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट की प्रॉब्लम है, यूटीआई की प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, लोअर पार्ट जितने भी हमारे लोअर ऑर्गन्स है, किडनी की कोई प्रॉब्लम हो रही है, यूट्रस से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है, यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उन सब प्रॉब्लम्स के लिए हम प्रेफर करेंगे बस्ती की टेक्निक को। बस्ती से हम लोअर पार्ट से एनोरेक्टल कैनाल से हम मेडिसन्स को डालेंगे और वहीं से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। थर्ड आता है नेति। नेति इज़ अ नेजल ट्रैक। हम नोज़ के प्रोसीजर से हम नेति को परफॉर्म करेंगे। जो जिनको नेज़ल की प्रॉब्लम्स रहती है, नेज़ल पॉलिप है, या नेज़ल से ब्लीडिंग होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उन या आइज़ वीक हो रही हैं, उनके लिए हम नेति प्रेफर करेंगे। फिर आता है त्राटका। त्राटका इज़ फॉर द आई साइट की बीमारी के लिए त्राटका किया जाता है। नेक्स्ट इज़ नोली। नोली इज़ अ चर्निंग ऑफ एब्डोमन मसल्स। एब्डोमन मसल्स को एक साइड, लेफ्ट राइट या मीडियम पार्ट में इसको हम एकोमुलेटेड करते हैं। नेक्स्ट इज़ कपालभाति। कपालभाति किसके लिए है? ये लोअर रेस्पिरेशन ट्रैक के लिए कपालभाति को परफॉर्म किया जाता है। इस तरह हमारे सिक्स क्लिंजिंग थेरेपीज प्रोसीजर है। फर्स्ट इज़ धोती, सेकंड इज़ बस्ती, नेति, त्राटका, नोली एंड कपालभाति। अब हम इनका डिटेलिंग में पढ़ेंगे किन किन
प्रोसीजर्स के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए. फर्स्ट इज नेति. नेति इज़ अ क्लिनजिंग ऑफ नेजल पैसेज. अब इसमें हमें नेजल पैसेज को क्लीन करना है, जिसमें हम जल नेति भी यूज़ करते हैं, सूत्र नेति भी यूज़ करते हैं, मधु नेति भी यूज़ करते हैं, या दुग्ध नेति को हम यूज़ कर सकते हैं. कर्सर पे आप देख सकते हैं, हम घी को यूज़ कर सकते हैं, ल्यूक वॉर्म वाटर को, जो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, हल्के सलाइन वाटर, हल्के नमकीन पानी को भी इसमें यूज़ किया जाता है. इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ नेतीस को हम परफॉर्म कर सकते हैं. अब नेति को कैसे हमें परफॉर्म करना है, आप पिक्चर देखेंगे यहाँ पे. हमने सबसे पहले ल्यूकवॉर्म वाटर लेना है. ल्यूकवॉर्म वाटर को लेने के बाद हमने एक नॉस्ट्रल से इस पानी को इनहेल करना है और दूसरे नॉस्ट्रल से ये पानी जो है धीरे 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 बाहर निकल रहा है. इससे क्या होगा, हमारे जो जितना भी इन वाटर अंदर गया है दूसरे नॉस्ट्रल से बाहर निकल रहा है, इससे नेजल की प्रॉपर क्लिनजिंग हो जाएगी. नेक्स्ट आता है सूत नेति. सूत नेति करने के लिए हम एक लुब्रिकेटेड थ्रेड लेंगे. उस थ्रेड में हम हल्का सा मेडिकेटेड घी में उसको डिप करेंगे, उसको बिल्कुल लुब्रिकेट कर देंगे. लुब्रिकेट करने के बाद इस सूत्र को हम एक नॉस्ट्रल से अंदर डालेंगे, धीरे 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 हम इसको अंदर डालेंगे और मुंह के रास्ते से बाहर निकालते हुए इसको हम खींच लेंगे. तो इससे क्या है, ये सूत्र हमारे नेज में जाएगा और माउथ के रास्ते से ये बाहर निकल जाएगा. सूत्र नेति जो है हम नाक से डाल के माउथ मुंह के रास्ते से इसको बाहर निकालेंगे. जल नेति को जब भी हम प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं, हमारी नेक जो है वो हल्की ट्विस्टेड रहनी चाहिए, ताकि एक नोज से वाटर जाए और दूसरे नोज से बाहर निकल जाए. जल नेति करवाने के बाद पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में बिठा के उसको बहिस्त्रिका प्राणायाम या कपालभाति करवाना चाहिए, ताकि कुछ भी वाटर का कंटेंट हमारे लंग्स के अंदर या हमारे अपर पार्ट पे कुछ एकमुलेटेड ना रहे. अब 21 किस चीज़ों में हम देते हैं, अगर ये क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ एक्शन जितना भी हमारा म्यूकस एकमुलेटेड हुआ है नोजल में, नेजल पैसेज में हमारे छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें म्यूकस एकमुलेटेड रहता है. तो जैसे ही हम जल नेति या सूत्र नेति करते हैं, जिससे जितना भी म्यूकस है वो सारा का सारा बाहर निकल आ जाएगा. हमारे एयर वेज, ये जो एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे हमारे 5 साइनसेज होते हैं, जैसे फ्रंटल साइनस है, इथेमोइडल साइनस है, मैक्सिलरी साइनस है, मैंडिबुलर साइनस है, इन सब जगह पे जहाँ पे कफ का एकमुलेशन हो रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट को साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है या हेडेक की प्रॉब्लम हो रही है, ये उसमें बहुत ही अच्छा इफेक्ट पेशेंट को देखने को मिलता है. जब सूत्र नेति करते हैं तो एकमुलेटेड कफ जो है वो सारा का सारा बाहर निकल आएगा. तो ये एम्प्टी स्पेसेस में जितना भी कफ एकमुलेटेड है वो बाहर निकल जाएगा, तो पेशेंट को रिलीफ होना शुरू हो जाएगा. इट प्रमोट बैलेंस बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट नॉस्ट्रिल. हमारे राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बैलेंस करेगा, जिससे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करेगा, हमारे हार्मोन्स के लेवल को ये बैलेंस कर पाएगा, और इट स्टिमुलेट द रिस्टोर्ड नेचुरल फंक्शंस को भी इंक्रीज करता है. ठीक है, अब यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया है व्हाट इज नेति. हम इसको जल नेति और सूत्र नेति को हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे त्राटका. त्राटका क्या है, इट इज़ यूजफुल इन केस ऑफ जो भी, अगर हमारे डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, डिस्टर्ब स्लीप की प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी हो रही है, या आपका पुअर कॉन्सेंट्रेशन बन रहा है, मेमोरी पावर आपकी लॉस हो रही है, ये किसी भी काम को करने के लिए प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, उसके लिए हम त्राटका को परफॉर्म करेंगे. त्राटका को परफॉर्म करने के लिए, जैसे आप ये पिक्चर्स में देख सकते हैं, इट रिलीव्स एनी एलिमेंट सच एज स्ट्रेन, हेडेक वगैरह को रिमूव करेगा. हमने एक सिटिंग पोजीशन पे, प्रॉपरली सिटिंग पोजीशन पे बैठ जाना है. सामने हमने एक कैंडल को रखना है, जिससे हमने अपनी पूरी आईज़ को गेज करना है. हमारा लोकेशन जो है पूरा इसके ऊपर ही फोकस होना चाहिए. जब हम एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे, धीरे 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 से इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते जाएंगे, तो हमारा जो ब्रेन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो हार्मोन सेक्रेशंस हो रहे हैं वो प्रॉपर होना शुरू हो जाएंगे. गेजिंग करने से हमारा ब्रेन का कॉन्सेंट्रेशन जो है ये बढ़ता जाएगा. ये एक या दो दिन में नहीं आता, इसको रेगुलर अगर हम त्राटका को प्रैक्टिस करते हैं, तभी हमारे ब्रेन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एक तरफ से एकमुलेटेड होता है. नेक्स्ट इज नोली. नोली जो है ये एब्डोमन को चर्निंग है. जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, सारे एब्डोमिनल मसल्स को हम सेंट्रलाइज्ड करके रखा हुआ है. अब ये नोली वाम नोली भी होती है, दक्षिण नोली और मध्यम नोली, तीन तरह से नोली को परफॉर्म किया जाता है. वाम मतलब एक साइड, हमने अपने जितने भी मसल्स हैं इनको बीच में लेके आए तो ये मध्यम नोली बनता है. इसको लेफ्ट साइड लेके जाएंगे
तो ये वामन ओली बन जाएगा। इसको हम राइट साइड लेके जाएंगे मसल्स को, तो ये हमारा दक्षिण ओली बन जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हमें एक स्टैंडिंग पोजीशन पे खड़े होना है, उसके बाद अपने लेग्स को थोड़ा सा अपार्ट करना है, अपने हाथों को थाइस के ऊपर लेके जाना है, एक इस तरह से कर्व सा पोस्चर बनाना है, अपनी बॉडी को बैलेंस करना है, एक बस सांस को अंदर भरना है अच्छे से, और फिर एब्डोमिनल मसल्स को चर्न करना है। जैसे आप ये देख रहे हैं, हमने यहाँ पे एब्डोमिनल मसल्स को से चर्न करके बिल्कुल मीडियम में लेके आ रहे हैं। इससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रोलिंग एंड मैनिपुलेटेशन ऑफ द एब्डोमिनल रेक्टाई मसल्स का, एब्डोमिनल रेक्टाई मसल्स का इससे कॉन्ट्रैक्शन होगा और इसकी रोलिंग होगी, जिससे हमारे इंटेस्टाइंस में, मसल्स में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में, यूरिनरी सिस्टम में इम्प्रूवमेंट मिलेगा। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है या संग्रहणी की प्रॉब्लम है, बार बार लूज मोशन होना, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाना, खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होना, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहना, उसमें नोली बहुत ही अच्छा जो है इफ़ेक्ट देती है। अगर कोई पेशेंट हार्ट डिजीज़ को सफ़र कर रहा है, हाइपरटेंशन को सफ़र कर रहा है, उसको हर्निया की प्रॉब्लम है, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, ड्यूडिनल अल्सर्स बन रहे हैं, उन लोगों को ये नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब हम नोली करते हैं तो एक प्रेशर हमारे एब्डोमिनल मसल्स पे फील होता है, एब्डोमिनल रेक्टाई मसल्स पे हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर हम को अगर पेशेंट को हर्निया है, ऑलरेडी उसका ऑर्गन बल्ज कर रहा है, इस कंडीशन में फिर वो रेक्टस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो उसकी प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। तो इसलिए जिनको ड्यूडिनल अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर है या हर्निया की प्रॉब्लम है, उनको नोली को परफॉर्म नहीं करना। अगला हमारा प्रोसीजर आता है बस्ती। बस्ती स्टूडेंट क्या प्रोसीजर है, इससे हमारे लोअर इंटेस्टाइनल पार्ट को क्लीन करना है। एक क्लिंजिंग का मेथड है जिसमें लोअर इंटेस्टाइन पार्ट को क्लीन किया जाता है। एनीमा जो हम डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस भी करते हैं, एनीमा कई तरह से दिया जाता है। इसको नॉर्मल सलाइन वाटर एनीमा भी दिया जाता है, सॉफ्ट वाटर एनीमा भी दिया जाता है, और कई बार हम त्रिफला एनीमास को भी परफॉर्म करते हैं पेशेंट्स के ऊपर। नॉर्मली बस्ती कैसे दी जाती है, आप सिक्वेंट पोजीशन पे बैठ के खुद ही इसको अंदर इनहेल कर सकते हो। बस्ती पाइप से इसको अंदर लिया जाता है और कुछ देर के बाद जो भी हमने बस्ती का ड्रग लिया है वो बाहर ऑटोमेटिकली शरीर से बाहर निकल जाएगा। पहले इसको प्रोसेस किया जाता था, बैम्बू स्टिक को इंसर्ट करके किया जाता था, बट इन दीज डेज हम बस्ती यंत्रा को यूज़ करते हैं। बस्ती यंत्रा को उसमें मेडिसन्स को डाल के लेटरिंग के रास्ते से इसको इंसर्ट किया जाता है, और धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद जो हमने मेडिसन्स डाली है, स्लाइम वाटर डाला है, सो वाटर डाला है, त्रिफला कषाय डाला है, वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। तो बस्ती देने से क्या होगा, जितना भी हमारा लोअर पार्ट है उसमें जितने भी दोषास एकोमुलेटेड हैं वो धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, नीचे का एरिया बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। क्लिंजिंग मेथड है बस्ती। बस्ती को प्रोसीजर को करने के लिए सिटी ने गणेश क्रिया, इसको हम स्पेसिफिक गणेश क्रिया बोलते हैं, जिसमें हमें सिटिंग पोस्चर है, अप्लाई एनएस, हमने एनएस पे कोई लुब्रिकेटेड एजेंट लेना है, ऑयलिंग कर सकते हैं। बस्ती इज द हट योगा मेथड, अगर हम इसको परफॉर्म करते हैं तो ये हमारे षटकर्मा में बहुत ही बेस्ट मेथड है, अपनी बॉडी को एक्युमुलेटेड दोषस को शरीर से बाहर निकालना, जिस सारे टॉक्सिन्स रिमूव हो जाएंगे, इंटेस्टाइन्स हमारी क्लीन हो जाएंगी। बस्ती को परफॉर्म करने के टू वेज होते हैं। वन, एयर डायरेक्ट हमने से मूल बंद लगाते हैं, हमने एयर को अंदर इनहेल किया है बस्ती की प्रोसीजर से, हमने गणेश क्रिया में सिटिंग पोस्चर पर बैठना है और इसको अंदर से इनहेल करना है, फिर उसके बाद उसको छोड़ देना है। दूसरा प्रोसीजर होता है विद वाटर, हमने पानी को इस्तेमाल करना है, ल्यूकवॉर्म वाटर को लेके इसको इंसर्ट करना है हमने एनएस के द्वारा, और कुछ टाइम के बाद एनएस से इसको बाहर निकाल देना है। ये बस्ती का प्रोसीजर रहता है। बस्ती हमें जब हम प्राणायाम प्रैक्टिस कर रहे हैं उस टाइम भी बस्ती को परफॉर्म करना चाहिए, बिकॉज जब भी हम कोई आसनास या प्राणायाम करते हैं हमारी बॉडी में एक हीट जनरेट होती है। प्राणायाम में मैंने आपको बताया था कि प्राणायाम जैसे हमने अनुलोम विलोम है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करना होता है। जब हम अपनी सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं, राइट नॉस्ट्रिल को, इड़ा नाड़ी को, इड़ा और पिंगला दो नाड़ीज हैं, जब हम राइट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करते हैं, अनुलोम विलोम करते भी हैं, जब हम राइट से इनहेल करेंगे तो हमारी बॉडी में हीट जनरेट होगी, क्योंकि ये सूर्य नाड़ी है। जब हीट जनरेट होगी तो हीट हमारी बॉडी के अंदर है, उसको हमें निकालने के लिए बस्ती को परफॉर्म करना चाहिए, ताकि आपके इंटेस्टाइंस में कूलिंग रहे, प्रॉब्लम्स आपको ना रहें। जैसे हम पैरलर करके या तो प्राणायाम को प्रैक्टिस करते हैं, अगर हम अनुलोम विलोम कपालभाति हीट जनरेटेड
प्राणायाम्स कर रहे हैं तो हमें शीतली और शीतकारी टाइप के प्राणायाम्स भी साथ में करने चाहिए। और अगर हम नहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें बस्ती की क्रिया को लेना चाहिए ताकि आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स इकट्ठे हों उन टॉक्सिन्स को हम रिमूव कर सकें। इस षट क्रियाज की पिक्चर में आप देख सकते हैं, फर्स्ट स्टेप दैट इज द नेति, सेकेंड इज द धोती, थर्ड इज द बस्ती जो लेटरिंग के रास्ते से हम क्लिनजिंग मेथड को कर रहे हैं, नोली रेक्टल एब्डोमिनस मसल्स को राइट लेफ्ट लेके करना है, त्राटका गेजिंग ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया एंड कपालभाति, हमने पद्मासन में बैठ के अपने ज्ञान मुद्रा लगा के अपनी एब्डोमिनल मसल्स को इन आउट मूवमेंट्स में लेना है। इस तरह से हम षट क्रिया को परफॉर्म कर सकते हैं। षट क्रिया को योगी क्रिया के अंडर लिया जाता है, ये क्लिनजिंग प्रोसीजर है, योगा प्रैक्टिशनर को इसको परफॉर्म करना चाहिए क्योंकि जब भी हम कोई योगासन या आसनास करते हैं अगर हम इसके साथ साथ षट क्रिया करते हैं तो हमारी बॉडी में स्टेबिलिटी बनी रहती है। अगर हम हठ योग प्रदीपिका के अकॉर्डिंग भी देखते हैं तो ये षट क्रिया जो है दैट इज़ अ क्लिनजिंग मैथड ऑफ कपालभाति, त्राटका, नेति, धोती, नोली एंड वस्ती, दीज आर द सिक्स क्रियाज टू क्लिनजिंग अवर बॉडी। वस्त्र धोती, वस्त्र धोती को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमने इस पोजीशन पे सीट बैठ जाना है। हमने एक स्ट्रिप लेना है कॉटन क्लॉथ का जो 2 से 3 इंच लंबा होना चाहिए और जिसकी विड्थ जो है 20 to 25 मीटर लंबी होनी चाहिए। अब हमने गर्म पानी का एक बाउल लेना है जिसमें इस वस्त्र को डाल के इसको अच्छे से ल्यूक वार्म कर लेना है। इसके बाद हमने 1 चम्मच इसमें हल्का सा नमक आप यूज़ कर सकते हो, सलाइन यूज़ कर सकते हो, वो डाल के डिप करके इस क्लॉथ को रखेंगे ताकि ये क्लॉथ बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हमने इसको माउथ में लेना है और धीरे 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 पानी को हमने अंदर इनहेल करते जाना है, वार्म वाटर को ड्रिंक करना है ताकि ये वस्त्र जो है धीरे धीरे हमारे अंदर जाना शुरू हो जाए। ये हमारे इंटेस्टाइन्स जी हमारे अपर पार्ट ऑफ द स्टोमक तक हमारे अंदर जाएगा और दिस प्रोसीजर क्या करेगा, जितना भी हमारे ये दिस पार्ट ओएसोफेगस पार्ट के अंदर इंसर्ट करेगा तो इससे जो है एक वॉमिटिंग की सेंसेशन हमें फर्स्ट टाइम जनरेट होती है, वॉमिटिंग हो भी सकती है पेशेंट को। जब हम इसको रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है। वस्त्र धोती करने के लिए जो प्रोसीजर है ये 4 स्टेप्स में करेंगे। पहले हमने सिक्वेंट पोजिशन पर बैठना है, सेकेंड हमने इस मॉइस्ट क्लॉथ को अंदर इंसर्ट करना है, धीरे धीरे अपने हैंड से इसको स्वेलो करना है, जैसे हम फूड को स्वेलो करते हैं इस तरह से इस क्लॉथ को स्वेलो करते जाना है। 1 से 2 फीट तक ये फर्स्ट हमारे अंदर जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो 3 to 4 फीट तक ये अंदर जाना शुरू हो जाता है। और क्लॉथ की जो हमने लेंथ ली है वो 20 to 25 फीट लंबा हमने क्लॉथ लिया है। अब इसके बाद हम ल्यूकवॉर्म वाटर लेंगे तो धीरे धीरे से सिप सिप करके उसको लेते जाएंगे, वो अंदर हमारा इंसर्ट हो जाता है। कॉन्टीन्यूसली इस प्रोसीजर को करने से हमारा क्लोथ जो है वो अंदर जाएगा, फिर धीरे धीरे से सोलो करने के बाद इसको हम 15 से 20 मिनट के बाद धीरे धीरे से इसको बाहर निकालते जाएंगे। इससे क्या है, जो अपर पार्ट ऑफ में जितने भी दोषा से अकोमोलेटेड हैं वो सब बाहर निकल जाएंगे। इस क्लोथ को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे और स्टरलाइज करके हम रख लेंगे ताकि हम नेक्स्ट बार इसको यूज़ कर सकें। वस्त्र धोती का मेन इफेक्ट क्या होता है, ये इम्प्यूरिटीज़ को इम्प्रूव करता है, इंटेस्टाइनल ट्रैक की और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, स्टोमक को एंड ओएसोफेगस रीजन को। इट हेल्प्स टू रिमूव द गैस, एसिडिटी, इनडाइजेशन एंड इनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन को। इट हेल्प्स टू रिलीव अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस को, कफ को एंड अदर कफ, जितना भी हमारा कफ एकोमोलेटेड है उन सब चीज़ों को हमारे बॉडी से बाहर निकालेगा। तो इस तरह से हम वस्त्र धोती को परफॉर्म कर सकते हैं, इस तरह से हम षटकर्मा को प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसमें नेति, धोती, बस्ती, त्राटका, कपालभाति और नोली है। अगर स्टूडेंट्स इसके साथ हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे नोली के, वाम नोली, दक्षिण नोली, किस तरह से आप कर सकते हैं, कोई भी डाउट्स हो अगर आपको उसके रिगार्डिंग तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है आयुर्वेदिक, क्वालिटी आयुर्वेदा, पंचकर्मा थेरेपिस्ट या BYNS का, तो हमारे संध्या रमन आधार फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू।